राजस्थान कच्चा आढ़तिया संघ प्रदेशाध्यक्ष किशन दुग्गल के नेतृत्व में घरसाना व्यापार संघ ने उप जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी कृषि जींस कच्चा आढ़ती के मार्फत करने व 1 करोड़ पर 2% TDS हटाने का मंडल कानून 2017 को निरस्त करने की मांग रखी गई। ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी पिछले 1 साल से सभी कृषि जींस कच्चा आढ़ती के मार्फत करने पर 2.25% आढ़त के रूप में देने की मांग कर रहा है, जो कि सोसाइटियों को बिना कार्य किए दिया जा रहा है। मामले को लेकर पूरा उत्तर भारत मंडियां बंद करके अपना विरोध जता चुकी हैं। यही नहीं, इस मांग के अनुरूप लोकसभा के चुनावों के बाद हल करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक मांग पर विचार नहीं किया गया। इस दौरान तीनों मांगों को शीघ्र पूरा करने का निवेदन प्रधानमंत्री से किया गया। कच्चा होते हुए भी हम इतने पीड़ित हैं, करप्शन का रेट इतना बढ़ गया है कि बिना करप्शन के कोई काम नहीं हो रहा है। अब हमारे व्यापारियों को भी ये भ्रष्टाचार की मेड़ में लेने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। कहते हैं कि हमारे को फड़ाओ सारा कुछ, तुम मेले बैठ दो, तुम्हारे जो आग भेज दो, कहीं भेजने पाकिस्तान भेज दो। सरकार ने मॉडल 1917 के ऊपर कृषि उपज मंडी समिति कृषि व्यापार को संचालित करने के लिए लागू करने का फैसला किया है। इस नीति के अंदर कच्चे आढ़तियों की समाप्ति बिल्कुल सुनिश्चित है। हम इस बात की लड़ाई के लिए आए हैं कि कच्चे आढ़ती किसानों के 24 घंटे के साथी हैं, उनके हर जरूरत को पूरा करते हैं, वो माल बेचने आते हैं, हम उनकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, उनका माल उचित मूल्य पर बिकवाते हैं, उन्हें समय पर भुगतान देते हैं। आज एक तरफ तो सरकार बेरोजगारों को भत्ता देना चाहती है, एक तरफ सरकार वृद्धा पेंशन देना चाहती है, और एक तरफ सरकार कच्ची वालों को बेरोजगार करके भूखा मरने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारा विरोध इस बात के लिए है कि सरकार इस नीति को लागू न करे। हिंदुस्तान में चूंकि जगह कम है, आदमियों की संख्या ज्यादा है, जो भी नीति लाए जाए, जो भी योजना लाए जाए, वो इन बातों पर विचार करके लाया जाए कि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो, और सरकार सब लोगों का रोजगार छीन करके चंद लोगों के हाथों में देना चाहती है, जिसे सारे हिंदुस्तान को बेरोजगार करना चाहती है। हम इस बात का विरोध करते हैं, उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अपना ज्ञापन SDM महोदय के मार्फत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री सबके पास पहुंचा रहे हैं कि समय रहते चेते हमारी बातों पर ध्यान दे, अन्यथा ये उग्र होता जाएगा और बाद में सरकार के लिए हमारी 1 साल से उठाई जा रही मांग कि समर्थन मूल्य पर सभी कृषि जिंसों की खरीद कच्चा आढ़तिया के मार्फत होनी चाहिए, जिसमें पूरा राजस्थान, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा के कच्चा व्यापारी आढ़त के एकजुट हैं और 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल हमने 10 दिन तक पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की मंडियां बंद करके सरकार को चताया कि हमारी मांगों को माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व कांग्रेस की राज्य सरकार ने, कांग्रेस की पंजाब राज्य सरकार ने और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे व्यापारियों को आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद हम अपने अपने स्तर पे आपकी मांग को मान करके आपका समाधान करेंगे। लेकिन जब व्यापारियों को वोटों से लूट लिया गया है, उसके बाद सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई।